ये जैसे मेरे पापा को मारे वैसा उसको वो भी मरना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शुभम चौहान। अभी हमारी उपस्थिति खगड़िया के सदर अस्पताल में है, जहाँ एक चौकीदार की मौत हो जाती है, जहाँ बताया जाता है कि वो ड्यूटी करने जाते हैं और ड्यूटी के दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। और उनकी तस्वीर तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इस हालात में उनकी तस्वीर है कि आपकी देखते ही रूह कांप जाएगी। लेकिन इस घटना की जानकारी देने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं और इस घटना के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। और आप तब तक हमारे चैनल में बने रहे। और यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनके कुछ घर के परिजन हैं, उनसे भी हमने कुछ बात की है, वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे, वो भी चीज़ हमको आपको बताते हैं क्या कुछ हमको जानकारी मिल पाई है। मैं जगा देव कल ठीक है गलन बाद एक दू बजले तीन बजले मम्मी जगल के कल पप्पा नहीं लो न तखनी फिर मम्मी कल कि फोन करी ना फोन तखनी नहीं करिए सुत गलिए फिर जगलिए न तब बोल के ना बात भैया। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार। ये जो जिनकी जो घटना हुई उनका क्या नाम है? श्री घनश्याम मड़ाका। कौन लगते हैं आपके? पिताजी। पिताजी लगते हैं आपके, तो इस घटना के विषय में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? घटना यही कि मतलब ड्यूटी करते समय मतलब। ये घटना कहाँ पे हुई है? तिलाठी चौक के पास। तिलाठी चौक के पास। हाँ। कितने बजे की घटना है? 12-11 बजे। कहाँ जा रहे थे जो इस तरह की घटना हो गई? ड्यूटी वहीं पे कर रहे, वहीं पे ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी करने के दौरान ये घटना हुई है। ड्यूटी करने के अभी सब ही नहा चले दो सब ने पकड़ते जनो हमरा पापा के मारले गनो मरते वो क्या नाम हुआ आपका? सकल देव मलाका। इस घटना के विषय में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जानकारी तो 11 बजे रात में ही जो ड्यूटी में था, तिलाठी चौक पर आया, वहाँ ड्यूटी कर रहा था रात में। तो मतलब इनका क्या नाम है? घनश्याम चौकीदार। कहाँ घर हुआ इनका? तिलाठी। ये घटना कहाँ पे हुई है? तिलाठी चौक पर। तिलाठी चौक पे। हाँ। तो क्या लगता है क्या कुछ शंका हो रहा है, किससे हुआ है ये सब चीज? हाँ, शंका वो घर पकड़ कर रहा है आदमी को। सब चाहिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेरे पापा को मारे हो इस तरह से उसको वो भी मरना चाहिए।